हेलो दोस्तों, करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलेज बनाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉलेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका साइज़ चाहिए होगा कि हमें कितना बड़ा कॉलेज बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं कि हमें 1.3 mm डायमंड का कॉलेज बनाना है। तो हम सिंपली एक सर्कल बनाएंगे 1.3 mm का। अब इस सर्कल को हम ऑफसेट करेंगे 0.4 से। दोस्तों, मैंने ये ऑफसेट 0.4 से ही क्यों किया, 0.3 से या फिर 0.5 से क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, इसका एक मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये जो बीच का एरिया है, ये इस वाले एरिया से, जो ये वाला एरिया है, इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कि ये बीच का एरिया इस वाले एरिया से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया है 0.4। अब बीच वाले एरिया को मेजर करते हैं, बीच वाला एरिया 0.5। तो ये वाला है 0.4, ये वाला है 0.5, तो बीच वाला एरिया बड़ा है। तो दोस्तों, ये ओके है। आप जब भी कॉलेज बनाओगे तो बीच वाले एरिया को थोड़ा सा बड़ा रखना। अब दोस्तों, हमें इसे सॉलिड करना होगा। सॉलिड करने के लिए हम फ्रंट व्यू में जाएंगे। फ्रंट व्यू में जाने के बाद सॉलिड कमांड पे जाएंगे, फिर नीचे जाके एक्सट्रूड प्लानर कर्व में जाके स्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, हमें इसका एक मेजर लेना होगा कि ये कितना हाइट का बनेगा। तो 1.3 mm डायमंड का जो कॉलेड होता है वो 1 mm हाइट का होता है। तो हम कीबोर्ड पर -1 टाइप करके एंटर कर देंगे। दोस्तों, -1 मैंने इसलिए टाइप किया है क्योंकि हमें इसकी जो हाइट होती है वो नीचे की साइड चाहिए होती है। अगर मैं कीबोर्ड पे 1 टाइप करके एंटर करता तो ये ऊपर की साइड बनाता, और अगर मैं कीबोर्ड पर -1 टाइप करता तो ये नीचे की साइड बनाएगा। तो दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना कि जब भी आप सॉलिड बनाओगे तो इसको नीचे की साइड बनाना। अब दोस्तों, हम प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके इस एरिया को चैम्फर करेंगे। कीबोर्ड पर हम चैम्फर टाइप करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। अब हमें एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें चैम्फर करना है, और कीबोर्ड पर 0.3 टाइप कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चैम्फर हो चुका है। अब दोस्तों, हम प्रॉन्ग बनाएंगे। प्रॉन्ग बनाने के लिए हमें टॉप व्यू पे जाना होगा। टॉप व्यू पे जाने के बाद हमें एक सर्कल लेना है 0.5 का। कीबोर्ड पर 0.5 टाइप करेंगे। दोस्तों, ये हमारा सर्कल आ चुका है। अब इसे हम मूव करेंगे ऊपर की साइड। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब दोस्तों, इस प्रॉन्ग को हमें ऊपर की साइड मूव करना है 1 mm। तो कीबोर्ड पर हम मूव कमांड टाइप करेंगे और क्लिक करके कीबोर्ड पर 1 mm टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब शिफ्ट दबाकर ऊपर कर्सर ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे। अब इसे हमें सॉलिड बनाना है। सॉलिड बनाने के लिए सॉलिड कमांड पे जाएंगे, एक्सट्रूड प्लानर कर्व और स्ट्रेट पे जाके क्लिक कर देंगे। अब हमें ऑल्ट दबाकर इसको क्वाड को पकड़ लेना है। अब हमें प्रोस्पेक्टिव में जाके इस एरिया को हमें फ्लिट करना है, FILL फ्लिटेज करना है 0.15 से। अब दोस्तों, हमें इस प्रॉन्ग को एरे करना है। प्रॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे और मूव काउंट पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक कमांड दिख रहा होगा, पोलर एरे। इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 0 एंटर कर देंगे। अब ये यहाँ पर मांग रहा है नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर कितने आइटम चाहिए, हमें 4 चाहिए। कीबोर्ड पर 4 टाइप करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि एंगल टू फिल और फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट 360 डिग्री। तो हमें 360 डिग्री टाइप करके एंटर कर देना है, उसके बाद फिर एंटर कर देना है। दोस्तों, हमारा जो कॉलेज है वो अब रेडी हो चुका है, बस इसमें एक डायमंड लगाने की देरी है। चलो, हम डायमंड को इम्पोर्ट कर लेते हैं। IM कीबोर्ड पर इंपोर्ट टाइप करेंगे और डायमंड वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, 1.3 mm डायमंड को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम सिंपली मूव कर देंगे 0 एंटर करके। अब इसे हम अनग्रुप कर देते हैं। अब नीचे वाले को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं। कर्विंग को भी डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलेज अब रेडी हो चुका है।
चलिए दोस्तों एक और कॉलेट बना लेते हैं। अब सर्कल सेलेक्ट करेंगे, 1.4 mm टाइप करेंगे कीबोर्ड पर और एंटर कर देंगे। अब इसे हमें ऑफसेट करना है 0.45 से, 0.45। इसे हम सॉलिड बनाएंगे फ्रंट व्यू में जाके, एक्सट्रूड पैनल का स्ट्रेट। अब इसकी हम हाइट लेंगे -1.2 mm। अब प्रोस्पेक्टिव में जाके अब हमें इसे चैम्फर करना होगा। कीबोर्ड पर चैम्फर कमांड टाइप करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पर 0.35 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हमें प्रॉन्ग बनाना होगा। टॉप व्यू पे जाएंगे, सर्कल कमांड लेंगे, 0.55 का सर्कल बनाएंगे। इस सर्कल को ऊपर की साइड मूव करेंगे। फ्रंट व्यू में जाएंगे अगेन, अब इसे हम 1 mm ऊपर की साइड मूव करेंगे। अब इसे हम सॉलिड बना देंगे। इस वाले पार्ट को हमें फिलेट करना होगा। फिलेट कमांड टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे। अब इसे हम एरे पोलर मारेंगे। अब 1.4 mm डायमंड को सिलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर में मूव कर देंगे। अनग्रुप करेंगे इसे, रेड वाले कॉर्न सिलेक्ट करेंगे और बाकी को डिलीट। अब इस पूरे कॉलर को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलेट बन चुका है। चलिए दोस्तों एक और कॉलेट बना लेते हैं 1.5 mm का। 1.5 mm का सर्कल लेंगे, इसको हम ऑफसेट करेंगे 0.45 से। अब इसे हम फ्रंट व्यू में जाके सॉलिड करेंगे -1.2 से। अब इसे हम चैम्फर करेंगे। अब टॉप व्यू पे जाके हम प्रॉन्ग बनाएंगे, 0.55 का प्रॉन्ग बनाएंगे। इसको मूव करेंगे ऊपर 1 mm, जिसे हम स्वाइड कर देंगे। फिलेट करेंगे इसे, अब इसे हम एरे मार देंगे। ₹1.5 mm डायमंड को हम सेलेक्ट करेंगे और बीच में मूव कर देंगे। सेम दोस्तों अब अनग्रुप करके सिर्फ डायमंड को अनसेलेक्ट करेंगे और बाकी को डिलीट। अब इसे हम ग्रुप कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा कॉलेट रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।